दोस्तों, सलमान खान की जान के पीछे पड़े ग्रुप ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। यंगस्टार लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा है कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी इस पोस्ट में उसने साफ साफ लिखा है कि इस हत्या में उसका हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर गोल्डी बराड़ अपना ये गैंग चलाता है। बिश्नोई भारत में रहकर ही अपराध की दुनिया को चलाता है, जबकि गोल्डी बराड़ खुद कनाडा में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई वही है जिसने जेल के अंदर रहते ही सलमान खान की हत्या कराने के लिए अपने बदमाशों को भेज दिया था। साल 2018 को लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। इस गैंग से जुड़े कुछ शूटर्स को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इससे ये जानकारी भी सामने आई थी कि ये शूटर्स मुंबई में सलमान खान के घर खेती करने गए थे। इससे पहले कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे पाता, सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गैंग से जुड़े लोग सलमान खान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उन्होंने सिद्धू की तो हत्या ही कर दी। मूसेवाला की सुरक्षा पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही हटाई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूसेवाला ने अपने निजी गार्ड्स को अपनी हत्या से कुछ समय पहले ही अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया था। उस समय उसकी सुरक्षा में 4 गार्ड्स मौजूद थे। पुलिस को यह मामला इतना सीधा नहीं लग रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझी साजिश के बाद ही सिद्धू की हत्या हुई है। फिलहाल तो इस पर पूरे देश की क्या पूरे दुनिया की निगाहें आकर टिक गई हैं। हर कोई यही चाहता है कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसी तरह की और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।